जेटेड पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले प्रदेश भर के सहायक शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने रांची के मोराबादी मैदान में जुटे। इस दौरान सहायक शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। इस दौरान सीएम आवास का घेराव करने निकले सहायक शिक्षकों को पुलिस ने टॉप के पास ही रोक दिया और शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वे और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस पर अधिक जानकारी देती है हमारी संवाददाता अवंतिका। आप देख रहे भारत न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के मोराबादी में, जहाँ टेट पास पारा शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है, लेकिन इन्हें मोराबादी में रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में टेट पास पारा शिक्षक जो है वो मुख्यमंत्री के आवास घेराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन्हें प्रशासन के द्वारा यहीं पर रोक दिया जा रहा है। को लेकर के आप लोग जा रहे हैं? हमारी मुख्य मांग वेतन मान है, जो मुख्यमंत्री जी ने हमसे वादा किया था कि 3 महीने के अंदर आपको वेतन मान देंगे, तो अभी तक हम लोग को वेतन मान देने का कार्य नहीं किए। इसलिए हम लोग रांची की धरती पर एक सफल सहायक समन्वय समिति के तत्वावधान में मुख्यमंत्री जी से न्याय गुहार यात्रा के लिए हम लोग आए हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे मांगे पूरी कीजिए। मैं रजनीकांत पांडे, गढ़वा जिला महासचिव। देखिए, हम लोग टेट पास पारा टीचर है, हम लोग सारी अहर्ता रखते हैं। हमारे साथ जो विद्यालयों में परीक्षा दिया वो सरकारी नौकरी कर रहा है, 93 और हम लोग से सरकार फिर परीक्षा लेने की बात कर रही है। हम लोग परीक्षा देंगे लेकिन 93 और हम लोग टेट पास महाधिवक्ता कर रहा है और मुख्यमंत्री भी ये वादा किए थे कि 3 महीने। आप सबों से निवेदन करता हूँ, प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि हम सबों को वार्ता के लिए मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यह धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं और एक मांग वेतन मान हम लोग को दिलाने का प्रयास करें। हमारी बात नहीं अभी मानी गई, हम लोग राजभवन तक नहीं जाने दिया जाएगा। हम ही ब्रैकेटिंग को हटा के वहाँ तक जा सकते हैं। हमें गोली खाना पड़ेगा, हमें जान जाना पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। हमें वेतन मान लेना है, हम वेतन मान के लिए यहाँ पे आए, ऐसे नहीं आए। चाहे जो भी होगा हम प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांग को पूरा करे। मुख्यमंत्री ने वादा किया है हमें पूरा करे, इस बात को हटा देंगे। सुना, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें वादा किया गया था कि 3 महीनों के अंदर जो है इनके वेतन मान को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसे लेकर आज ये मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इन्हें यहां पर रोक दिया गया है। वहीं इनका कहना है कि अगर इन्हें आगे नहीं जाने दिया तो ये बैरिकेडिंग तोड़ के अगर प्रशासन से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जाएंगे। अपने सहयोगी पिंटू के साथ मैं